है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। वनकम दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। यस वनकम दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है और हम बहुत खुश है इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी ग्रीटिंग है जो राहुल और मैं आपसे कर रहे हैं, तो दोस्तों हम आपको याद दिला दें कि आज है बुधवार और आज का हमारा फोकस रीजन है तमिलनाडु। जी हाँ, और आज हम आपको ले चल रहे हैं तमिलनाडु और सुनेंगे और जानेंगे वहाँ के उस प्रदेश के बारे में और एक बहुत ही खूबसूरत तमिल गीत भी हम सुनेंगे आज प्रोग्राम में। यस रिबेका, मैंने सुना है कि तमिल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। तमिल भाषा की शुमार होती है सबसे पुराने जो दुनिया में बोली जाने वाली भाषाओं में। और हाल ही में तो मैंने ये भी पढ़ा कि जब भारत में पवित्र शास्त्र आया, परमेश्वर का वचन आया, तो सबसे पहले अनुवाद जो है वो तमिल भाषा में हुई। वाओ, दैट इज आई मीन सो इंटरेस्टिंग टू नो, हमें पता नहीं था। थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मिंग अस राहुल। वाकई देयर इज सो मच दैट वी कैन टॉक अबाउट व्हेन इट कम्स टू तमिलनाडु। यस दोस्तों, जैसे हम आपको तमिलनाडु उस खूबसूरत स्टेट की सैर कराएं, साथ ही साथ हम मेंटल हेल्थ जो इस पूरे महीने हमारा फोकस रहा है इसको भी देखने वाले हैं और आज खास गौर करने वाले हैं इस पहलू पर कि कई सारे लोग हैं जो अपना जीवन नहीं जीना चाहते, वो अपने जीवन से हताश हुए हैं, निराश हुए हैं और उसे ख़त्म करना चाहते हैं। क्या कोई उम्मीद है, क्या कोई आशा है? इनफैक्ट जब राहुल बता रहे थे कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन को ख़त्म करना चाहते हैं, तो हम देखते हैं कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार देखा गया है कि मेजॉरिटी ऑफ सुसाइड जो केसेस हैं वो महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु में रिपोर्ट किए गए हैं। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बिकॉज ऑफ फैमिली प्रॉब्लम्स, स्ट्रेसेस इन द फैमिलीज, एंजाइटीज इन द फैमिलीज, लोग झेल नहीं पाते और अपने जीवन को अंत करना चाहते हैं। बिल्कुल, और दोस्तों परमेश्वर ये नहीं चाहता। जीवन जो है ये परमेश्वर की ओर से एक तोहफा है। हम समझ सकते हैं शायद आप बहुत चुनौतियों से गुजर रहे हैं, आपने हर मुमकिन कोशिश की है और आपको और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, लेकिन आज हम आपको उस रास्ते से मुलाकात कराएंगे, उस मार्ग से पहचान कराएंगे। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। दोस्तों जब आप यीशु मसीह को जानेंगे तो आपको जीने की वजह भी मिलेगी और चाह भी जागेगी। जी, और यीशु मसीह जो सत्य है, जब उस सत्य को आप जानेंगे तो जो भी ये मुश्किलें आपके जीवन में है, जो बेड़ियां आपके मनों में है, ये सब टूट जाएंगी। दोस्तों आइए इस समय हम एक बहुत ही खूबसूरत तमिल गीत को सुने जो कलवरी यानी कि क्रूस पर यीशु मसीह की मृत्यु और उनके मृतकों में से जी उठने के बारे में हमें याद दिलाता है। और हमारी यही प्रार्थना है कि जैसे कि आप इस गीत को सुनेंगे, आपके मन में जो भी बंधन है वो टूट जाएंगे, आप शांति और आशा पाएंगे प्रभु यीशु मसीह में। आइए इस गीत को सुने जो तमिलनाडु के मिंस्ट्रल कॉयर हमारे लिए गा रहे हैं। Yes.
Thank you very much, Minstrel Choir. That's amazing singing. And we are so honored to have you on Ek Nayi Zindagi. बहुत ही अच्छा लगा आपके इस गीत को सुनकर. यस दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं इस गीत का आपने भरपूर आनंद लिया है. अगर ऐसी गीतों को आप दोबारा सुनना चाहते हैं या अलग अलग भाषाओं में गीतों को सुनना चाहते हैं तो देर किस बात की. आप जाइए हमारे CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर. अलग अलग खूबसूरत स्तुति और आराधना के गीत मिलेंगे और विभिन्न भारत के विभिन्न भाषाओं में वो गीत गाए गए हैं. तो उन क्वायर्स के साथ जुड़िए और प्रभु की स्तुति कीजिए. और दोस्तों, आज तमिलनाडु की बात हो रही है तो हम आपको ले चल रहे हैं चेन्नई, जहां हम मुलाकात करेंगे पास्टर जॉन रवि से, जो एक वक्त में ऐसे रास्ते पर आकर खड़े हो गए थे जहां से उन्हें आगे कुछ नजर नहीं आ रहा था. उनके पापा अब्रॉड जाकर नौकरी करने की इच्छा में अपना सब कुछ गवा देते हैं और फिर परिवार के साथ उन्होंने खुद को और अपने परिवार को खत्म करने का निर्णय लिया. आइए देखते हैं कि इस कहानी में आगे क्या हुआ. जॉन रवि का जन्म चेन्नई में हुआ था और उसके पिताजी एक मशहूर कंपनी में इंजीनियर के तौर पर नौकरी करते थे और उनके परिवार की खुशहाली के लिए दुबई जाकर काम करने का उन्होंने फैसला लिया. उन्होंने विदेश जाने वाली एजेंसियों से संपर्क किया और पिताजी से कहा कि मुंबई जाना है और वहीं से सब कुछ तैयार करके देंगे, जैसे कि वीजा, इमिग्रेशन वगैरह. इतना ही नहीं, उन्होंने घर पर जो सोना वगैरह था उसे गिरवी रखकर जो पैसे मिले वो सारे पैसे लेकर वो तुरंत ही मुंबई चले गए थे. जॉन रवि के पिता बाहर गांव से पैसा भेजेंगे, उसी बात का परिवार को इंतजार रहता था. तब मेरी माँ बहुत हताश हो गई, उनका सब कुछ लूट गया ऐसा सोचकर रोने लगी. मैंने माँ से पूछा कि माँ तुम रो क्यों रही हो. तब माँ ने मुझे बताया कि तुम्हारे पिताजी जितने भी मेरे गहने थे सब बेचकर सारे पैसे लेकर मुंबई चले गए. अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये कहकर मां रोने लगी. जॉन रवि के मन में परेशानी बढ़ने लगी और इस परिस्थिति में अपने परिवार के लिए उसने पढ़ाई छोड़ दी और काम पे जाने लगा. मेरे परिवार में दुख, आंसू और मुसीबत बढ़ रही थी. मुंबई में रहने वाली उनकी एक बहन ने एक साल के बाद जॉन रवि के पिता को चेन्नई आने में मदद की और फिर उन्होंने मुंबई से यहाँ आने में मेरे पिताजी की मदद की. मेरे पिताजी ने सबको गले लगा लिया, हम सब भावुक होकर रोने लगे. हमें डर था कि हमारे पिताजी फिर कभी हमें नहीं मिलेंगे, लेकिन पिताजी आ गए थे ना, हम लोग खुश थे. हमारा पूरा परिवार बहुत खुश था, हम सब रो रहे थे. माँ भी रो रही थी और पिताजी भी. माँ और पिताजी रात भर सोते नहीं थे, उन्हें नींद नहीं आती थी. वो रात भर सोचते थे कि हम कितने दुखी हैं, हमने सब कुछ गंवा दिया, अब हम लोग आखिर क्या करेंगे. पास में ही रहने वाले एक दोस्त ने यीशु मसीह के प्रेम के बारे में जॉन रवि को बताया, जिनकी बातें सुनकर जॉन रवि की माँ ने आशा की आखिरी किरण लेकर उसी दिन शाम को उन्हें प्रार्थना करने के लिए बुलाया. हमने ना चाहते हुए भी ईश्वर को बुलाया और ईश्वर ने हमें अच्छे जिंदगी दी. और उस रात को मेरी माँ और पिताजी बहुत सुकून से सोए, हम लोग भी सुकून से सोए. दूसरे दिन 11 बजे सुबह हम लोग खाने के टाइम उठे. उस दिन पहली बार हम लोग पूरे परिवार खुशी खुशी कलीसिया में गए थे. हम लोगों ने चर्च में कदम रखा था, किरवा समन प्रार्थना घर में. हमारे कदम रखते ही हमने गीत गाया था कि पवित्र चरण पर भरोसा करके हम यहाँ आए, अनुग्रह से भरा हुआ यीशु. इस गीत को गाते वक्त मेरी माँ भावुक होकर रो पड़ी थी. जब हम कलीसिया के अंदर गए थे तब हमने परमेश्वर की शांति का अद्भुत अनुभव किया. एक शब्द याद आया और वो शब्द ये था कि चौथे अध्याय का 27वां वचन था, मेरी शांति मैं तुम्हें दूंगा, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता. ऐसा कहकर परमेश्वर ने इस तरह की बातें करना शुरू की. हमारी जान बचाई है यीशु मसीह ने, ये बात मैंने हर जगह जाकर बताई. 16 वर्ष की उम्र में सड़क पर खड़ा रहकर मैं सबको बताता था कि यीशु मसीह ने मेरी जान बचाई है. परमेश्वर की वजह से मुसीबत से भरा जीवन खुशहाल हो गया है. आपका जीवन भी यीशु खुशहाल बनाएगा. मुझे जो शांति प्राप्त हुई है वो मैं कई लोगों को बताता हूँ और ये भी कि मुझे ईश्वर का अनुभव करने का मौका मिला, ये सबको बताता हूँ. परमेश्वर यीशु का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे.
जॉन की कहानी को देखकर इतना अच्छा लगा और उनके चेहरे पर जो खुशी थी वो देखकर मुझे और ज़्यादा अच्छा लगा। विश्वास नहीं होता कि वो ऐसी परिस्थितियों से अपने जीवन में से गुजर कर आए हैं, पर ही हैज़ ट्रूली रिसीव्ड क्राइस्ट एंड ही हैज़ रिसीव्ड द जॉय दैट द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट गिव्स टू यू व्हेन ही कम्स इनटू योर हार्ट। यस, एब्सोल्युटली। दोस्तों, शायद आप भी अपने जीवन के ऐसे कगार पर है, ऐसे समय पर है जहाँ पर आप निराश हो गए हैं। आपके भी मन में ऐसे ख्याल आए होंगे कि मुझे ज़िंदगी का अंत करना है, लेकिन जैसे जॉन के साथ हुआ वैसे परमेश्वर आपसे भी कह रहा है कि हिम्मत ना हारे, परमेश्वर आपके साथ है और वो यकीनन मार्ग निकालेगा, आपको छुड़ाएगा, आपकी परिस्थिति को बदलेगा। परमेश्वर पर भरोसा कीजिए। दोस्तों, मुझे याद है कुछ साल पहले मैं दुबई गया था और मेरे भाई वहाँ पर रहते हैं और उन्होंने मुझे थोड़ा डेजर्ट सफारी कराया था, जो होता है ना घूमना फिरना डेजर्ट में। और एक ख्याल मेरा जब मैं जीप में बैठा था वो आया था कि यार घूमने फिरने के लिए तो अच्छा है, लेकिन अगर कोई इस रेगिस्तान में खो जाए तो फिर क्या होगा। और जब हम शास्त्र देखते हैं तो हम अक्सर देखते हैं जब भी रेगिस्तान की बात होती है तो बिल्कुल ऐसे समय की बात होती है जहाँ पर इंसान निराश है, हताश है, बिल्कुल उम्मीद खो दिया है, चाहे वो इजरायली हो चाहे वो इलिया हो। इलिया की कहानी है एक राजा 19 में, जहाँ पर एक बड़ी जीत के बाद उसे बड़ी निराशा का सामना करना पड़ा। ऐसे में इलिया भागकर अपने लोगों से एक रेगिस्तान में जाता है, पूरी तरह वो थक गया है शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, और उसे जीने की तमन्ना नहीं है। वो परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर मैं अयोग्य हूँ, मैं अपने पूर्वजों से बेहतर नहीं हूँ, तू मुझे मार दे प्रभु, मेरी जिंदगी को खत्म कर। ऐसे में परमेश्वर उससे क्या कहता है? क्या परमेश्वर उससे कहता है, इलिया तू इतना बड़ा नबी है, तुझे शर्म आनी चाहिए कि तू ऐसे बातें कर रहा है? परमेश्वर उसे ऐसा नहीं कहता, परमेश्वर उसे डांटता नहीं, परमेश्वर उसे सुधारता नहीं। क्या आप जानते हैं परमेश्वर क्या करता है? आइए दोस्तों इस कहानी को देखें और देखें किस खूबसूरती से परमेश्वर ने इस हालात को संभाला। एक राजा 19वां अध्याय 7वां और 8वां वचन, 1 Kings 19:7-8। एक राजा 19:7 वचन कहता है, प्रभु का दूत दूसरी बार आया, उसने इलिया को स्पर्श किया, वो बोला, उठ भोजन कर क्योंकि तुझे बहुत दूर जाना है। इलिया उठे, उन्होंने खाया पिया, वो इस भोजन से बल प्राप्त कर 40 दिन और 40 रात चलते रहे और परमेश्वर के पर्वत होरेब पर पहुंचे। क्या कमाल है ना दोस्तों, देखा आपने परमेश्वर ने कैसे बर्ताव किया इलिया के साथ, उसे डांटा नहीं, उसे फटकारा नहीं, उसे सुधारा नहीं, परमेश्वर ने उसके उसे मजबूती दी, उसे खाना खिलाया, उसे पानी पिलाया, उसे आराम करने को दिया और परमेश्वर से बल पाकर इलिया इतना मजबूत हुआ कि वो 40 दिन तक परमेश्वर की ओर दौड़ता रहा। और यहाँ से हम देखते हैं इलिया की एक नए जीवन की शुरुआत होती है। आपसे भी हम कहना चाहते हैं, परमेश्वर आज आपको भी मजबूत करना चाहता है। परमेश्वर की ओर देखे, यीशु मसीह की ओर देखे, वो आपको मजबूत करेगा। हम जल्दी से ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आप ऐसे कोई व्यक्ति को जानते हैं जो पूरी तरह निराश हुआ है, जिसने जीवन के जीने की उम्मीद खो दी है, तो याद रखिए तीन सी जो परमेश्वर ने इलिया के साथ किया, केयर, कनेक्ट और काउंसिल। ये तीन चीज़ें हैं, हमें लोगों का ध्यान रखना है, उनके साथ संपर्क बनाना है, रिश्ता बनाना है, उनके हालातों को समझना है, और फिर इसे परमेश्वर ने बाद में इलिया को सिखाया, सुधारा, वो भी आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह में ही आशा है। और दोस्तों, अगर आप भी अपने चैलेंजेस में काउंसलिंग चाहते हैं, हो सकता है कि आज आप बहुत परेशान हैं, बहुत सारी चिंताएँ हैं जो आपको घेरे हुए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में आप फंसे हुए हैं, अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करें। आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbnspecialoffers। यस दोस्तों, काउंसलिंग में ताकत है, तो ज़रूर ऐसा कीजिएगा, खासकर अगर आप जीवन के उस अंत में पहुँचे हैं जहाँ पे आपको आगे कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती, हमसे ज़रूर संपर्क कीजिए। अब वक्त हो चला है ब्रेक का, जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो एक और सच्ची कहानी देखने वाले हैं, तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए।
पेरेंट्स सुपरबुक इंडिया विल बी लाइव ऑन इंस्टाग्राम और हमारे साथ जुड़ेंगे एक स्पेशल गेस्ट. हाई एवरीवन, आई विल बी देयर टू प्रे फॉर यू एंड विद यू फॉर द मेंटल हेल्थ इश्यूज दैट आवर चिल्ड्रन एंड आवर यंगस्टर्स आर इंक्रीजिंगली ग्रैपलिंग विद. सो मेक श्योर यू जॉइन अस फॉर अ टाइम ऑफ प्रेयर एट 10 AM ऑन सुपरबुक इंडिया इंस्टाग्राम. वेलकम बैक दोस्तों, एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारी मेंटल हेल्थ सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं उम्मीद के बारे में. कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं और हम अपने मन से इतने हताश और निराश हो जाते हैं कि हम उम्मीद छोड़ देते हैं एंड वी लूज होप. और तब वो विचार हमारे मन में आने लगते हैं कि शायद हमें अपना जीवन का अंत कर देना चाहिए. बिल्कुल रिबेका, ऐसे होता है, अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई परिवारजन ऐसा फैसला उठाता है, ऐसा ठोस कदम उठाता है, तो उसका असर जो है वो परिवार जनों पर भी होता है. उन्हें उस सच्चाई के साथ, उस गंभीर हादसे के साथ जीना पड़ता है जो बिल्कुल आसान नहीं है. तो इससे पहले कि आप कोई भी ऐसा कदम उठाए, आप सलाह मशवरा कीजिए और सबसे ज़्यादा परमेश्वर की ओर नज़र लगाइए. आपको यकीनन जीने की वजह मिलेगी. जी दोस्तों, और ऐसी एक कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं. आज हम आपको मिला रहे हैं गायत्री वेंकट से, जो अपने पिता के प्रेम के लिए तरस रही थी और उनकी बहन घर की परिस्थिति के कारण अपने जीवन से हार गई. इस सदमे को गायत्री बर्दाश्त नहीं कर पाई. क्या वो इस परिस्थिति से बाहर निकल पाएगी? आइए देखते हैं गायत्री वेंकट की कहानी. गायत्री वेंकट ने अपने बचपन में बहुत कठिनाइयों का सामना किया. उनके जन्म से ही उनके परिवार में खुशियां नहीं थी. मेरे घर के बस दो ही गली बाद मेरे पापा उनके दूसरे पत्नी के साथ रहते थे. मेरे अंदर एक तड़प थी कि मेरे पापा क्यों मेरे साथ नहीं रहते हैं. मेरे मन में इस सवाल के साथ ही मेरे बचपन के दिन ऐसे ही गुजरे. हमेशा एक तन्हाई का अनुभव, ऑल अलोन, ये फीलिंग हमेशा मेरे मन में रहता था. उसके बाद जिस बहन से गायत्री बहुत प्यार करती थी, उसने अपनी जिंदगी खत्म कर दी. अपनी बहन की मौत को गायत्री बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाई. मेरी दीदी मर चुकी है और अब मैं उसे देख नहीं पाऊंगी. इस गहरे दुख से मुझे बहुत ही बड़ा सदमा लगा. दीदी की आवाज मुझे हमेशा सुनाई देती थी. मेरा नाम को पुकारने की आवाज, अक्सर मेरे सपनों में भी वो आया करती थी. घर में अकेली नहीं रह पाती थी. एक हॉन्टेड फीलिंग, मन में कुछ न कुछ हो रहा था, किसी के बुलाने जैसा एक फीलिंग. माँ हमेशा रोती थी और उस हालात में, उस माहौल में वो हमें दिलासा भी नहीं दे पाती थी. तब माँ के साथ जो काम कर रहे थे, उन्होंने मुझे एक बाइबल दिया. बाइबल को पढ़ते समय उनके मन में कितनी खुशी और शांति थी. जो हमारे दिल को छू गया वो ये था कि मेरी माँ की जिंदगी में उनके चेहरे में जो आंसू थे, उसमें बदलाव हुआ. उनके चेहरे में हमें एक शांति दिखाई दिया. उसी दंपत्ति ने गायत्री और उनके परिवार को रविवार की प्रार्थना में बुलाया, गाना गाए और वहाँ मैंने मैसेज भी सुना और मेरे अंदर एक बदलाव हुआ. उस पूरे हफ्ते मुझे मेरे पापा की याद नहीं आई. वो तड़प नहीं था. मेरी दीदी की याद में रोना भी बंद हो गया था. मेरे अंदर एक बदलाव हुआ था, वो मैंने महसूस किया. बट सच कहूँ तो आई गॉट एडिक्टेड टू संडे सर्विस. अगर मैं रविवार को चर्च जाऊँ तो पूरा हफ्ता मुझे शांति मिलती है. बस सिर्फ यही कारण से मैंने हफ्ते में चर्च जाना शुरू किया. कुछ दो महीने जाने के बाद एक खास दिन में फादर्स डे सेलिब्रेट किया गया था. तो इस फादर्स डे में वहाँ पास्टर ये बता रहे थे कि पापा कितने अच्छे होते हैं, कितने अच्छे काम करते हैं, बता रहे थे. तो मेरे आंखों में आंसू बस नहीं रुक रहे थे. तकरीबन एक घंटा आई वॉज क्राइंग कि ईशु, अगर सच में आप परमेश्वर हैं तो मेरे पापा क्यों नहीं हैं? तब परमेश्वर ने मुझे मैसेज के द्वारा बताया कि मे बी यू डोंट हैव अ फादर, शायद तुम्हारे लिए पापा ना हो. पापा के प्यार तो महसूस नहीं कर पाई हो, मैं तुम्हारे पापा बनकर रहूंगा, बोले. अगर मैं दिल की गहराई से कहूँ तो शायद ये परमेश्वर यीशु मसीह मुझे प्रभु जैसे ना देखकर एक पापा के रूप में मेरे जीवन में आए, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है. इसी वचन को मैंने पहले बार याद किया था. जब परमेश्वर का वाक्य मेरे अंदर जाता है तो मेरे अंदर जो खालीपन और जो शून्यता है उसे भरते हुए मैंने महसूस किया है. स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद गायत्री की इच्छा थी कि वो चेन्नई के मशहूर अन्ना विश्वविद्यालय में पढ़े और उसके लिए उसने प्रार्थना की. मेरे अंदर एक इच्छा थी कि मेरी बड़ी दीदी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रही थी तो मैं सबसे कहती थी कि मुझे भी इंजीनियरिंग करना है और उसके लिए बेस्ट कॉलेज है अन्ना यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पढ़ने की इच्छा हुई.
तो तब मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि आप मेरे पापा हैं तो आपको ही सब कुछ करना है। जुलाई 4th एग्जैक्टली मुझे एक एडमिशन लेटर मिला अन्ना यूनिवर्सिटी से। उसमें देखा तो यू हैव बीन एडमिटेड टू बीटेक सिरेमिक टेक्नोलॉजी, बस इतना ही लिखा था। और मैंने बहुत खुशी से अन्ना यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया। एक प्रोफेसर ने मुझे बुलाकर पूछा कि आप कौन से डिपार्टमेंट में, तब मैंने कहा कि बीटेक सिरेमिक्स। तब उन्होंने बताया कि आज तक ये डिसिप्लिन पीजी में नहीं हुआ है, यूजी में बिल्कुल नहीं हुआ है, लेकिन फाइनली दे डिसाइडेड कि सिर्फ 17 सीट्स बीटेक सेरामिक्स में अलॉट किया है और उसमें आप एक हैं, ऐसा उन्होंने मुझे कहा। तब मेरे अंदर प्रभु की आवाज सुनाई दी कि मैं तुम्हारे पापा बनकर तुम्हारे लिए सब कुछ ये सब मैंने किया है। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, तन्हाई का वो एहसास, सवाल, मुझे जीना क्यों है, हमारी जिंदगी का कोई मतलब है क्या, उसका कोई मकसद है क्या, इस तरह के सवालों के साथ एक दिन पापा की बच्ची थी, परमेश्वर ने मेरी जिंदगी को बदल दी। बहुतों के लिए उन्होंने मुझे माँ के रूप में बदला है। बिन माँ बाप के बच्चों को मैं सांत्वना दे पा रही हूँ। अगर साधारण रूप से मेरे असली पापा भी होते तो इस आशीष का एक फ्रैक्शन भी मुझे नहीं मिला होता। आज हजार गुण आशीष पाकर मैं आपके सामने आज खड़ी हूँ। वाओ फ्रेंड्स, व्हाट अ स्टोरी। गायत्री के जीवन को देखकर बहुत अच्छा लगा, पूरा नजरिया उनका बदल गया और जब उन्होंने परमेश्वर को जाना उनका जीवन पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया। उनकी सोच, उनके विचार, जीवन को देखने का उनका मकसद, हर सब कुछ उनके जीवन में ट्रांसफॉर्म हो गया। यस, मुझे एक बात रिबेका उनकी कहानी से बहुत अच्छा लगा कि उनके जीवन में एक वास्तविक पिता की कमी थी। उनके पिता उन्हें बचपन में छोड़कर चले गए, लेकिन तब उन्होंने अपने स्वर्गीय पिता को जाना। दोस्तों, हमारे जीवन में अक्सर कुछ कमी के वजह से, कुछ खालीपन के वजह से हम चाहते हैं कि हमारा जीवन का अंत हो, लेकिन क्या आप जानते हैं यीशु मसीह वादा करते हैं कि वो हमारे हर जरूरत को अपनी महिमा की धन से पूरा करेगा। चाहे वो इमोशनल नीड है, चाहे वो फिजिकल नीड है, चाहे वो फाइनेंशियल नीड है, यीशु मसीह हमें छोड़ेगा नहीं। वो अच्छा चरवा है जो अपनी भेड़ों की देखभाल करता है। तो हिम्मत मत हारिए, अपनी नजरों को प्रभु की ओर उठाइए। आइए हम भी मिलकर अपनी चिंताएं, अपनी मुश्किलें, अपने चैलेंजेस हम परमेश्वर को बताएं और प्रार्थना करें। आइए आप हमें अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर करें हमारे CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। हम साथ मिलकर परमेश्वर की मदद के लिए प्रार्थना करेंगे। और साथ ही दोस्तों, काउंसलिंग के लिए भी आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। हमारी वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbnspecialoffers। यहाँ जाकर आप फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। यस दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक नई जिंदगी तमिल भाषा में भी आप देख सकते हैं? तो यदि आप देखना चाहते हैं या किसी अपने तमिल स्पीकिंग फ्रेंड को इससे रूबरू कराना चाहते हैं तो बड़ा आसान है। इस शो का नाम है थिरुपुमनाई, इसका मतलब है टर्निंग पॉइंट, वक्त बदलने वाला। तो देर किस बात की, आप उन्हें इस एपिसोड का लिंक भेज दीजिए और CBN इंडिया के यूट्यूब चैनल पर वो जाकर के इस एपिसोड को तमिल में देख सकते हैं। जी, और आइए दोस्तों, इसी के साथ हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्टे विद अस। मानसिक स्वास्थ्य की अहमियत को समझकर उत्तराखंड के छोटे से गांव की महिलाओं ने अपने रोजमर्रा के जीवन में उठने वाले मेंटल हेल्थ इश्यूज को बेहतर मैनेज करना सीख लिया है। जब हमें टेंशन होती है तो हम किसी के सामने बात करने की कोशिश करते हैं। जो हमारे बुरे विचार हैं उनको हमको हटा के अच्छी बातों पे ध्यान देना चाहिए। अच्छे सोच वाले इंसानों के साथ रहेंगे तो हमारी नकारात्मक सोच है उससे हमें जल्दी छुटकारा मिले। अगर मुझे कोई भी दुख की काम रहती तो मैं हस्बैंड के साथ शेयर करती हूँ हमेशा। मैं मुझे कभी ऐसी फीलिंग आती है या मैं स्ट्रेस फील करती हूँ तो मैं बुक्स पढ़ती हूँ। जब वो दुख वाले मतलब वो आते हैं मेरे मन में तो मैं झट से हटा देती हूँ या गुनगुनाती रहती हूँ। चलिए साथ मिलकर कई और महिलाओं को मेंटल हेल्थ पर अवेयर करें। भक्ति में जो मन लगे।
वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमने जाना है कि प्रभु यीशु मसीह में हमेशा उम्मीद है। कई बार अपनी जीवन की परिस्थितियों की वजह से हम जीवन में उम्मीद खोने लगते हैं, पर हमने जाना है that there is always hope in the Lord Jesus Christ. Yes. रिबेका, अंग्रेजी में एक कहावत है, there is a light at the end of the tunnel. मतलब कि जब ट्रेन उस गुफा से गुजरती है तो ऐसा लगता है कि सब जगह अंधेरा है, लेकिन हम जानते हैं कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि रोशनी दिखाई देगी। जैसे आप आगे जाएंगे वो गुफा खत्म होगा और उजाला आएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं उस उजाले का नाम क्या है? उस लाइट का नाम है जीसस। आइए दोस्तों मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए प्रभु जो तूने हमें दिया है। जिन्होंने तुझ पर विश्वास किया है उन्हें सिर्फ जीवन ही नहीं लेकिन नया जीवन मिला है प्रभु, बहुतायत का जीवन मिला है। और जो तुझ पर विश्वास करते हैं तू उनसे वादा करता है कि वो अनंत काल का जीवन पाएंगे। धन्यवाद प्रभु कि तू मार्ग सत्य और जीवन है। चोर आता है चोरी करने, घात करने, हत्या करने, लेकिन तू आया है जीवन देने। प्रभु ये जीवन तेरे लिए कितना कीमती है प्रभु जो तूने हमें दिया है, और तू चाहता है हमारे जीवनों से तेरी महिमा हो। आज प्रभु हम हमारे उन मित्रों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने शायद जीवन में उम्मीद खो दी है, जो निराश हुए हैं, जो शायद सोच रहे हैं इसे खत्म करने के बारे में। प्रभु उनके मन में एक मन फिराव लेकर आ प्रभु, एक टर्निंग पॉइंट लेकर आ प्रभु, उनके सोच को बदल, उन्हें जीवन की आशा दे, उन्हें जीने का मकसद दे प्रभु। उनके तकलीफों में, उनके चुनौतियों में तू सहारा बन के आ, उस अंधेरे में तू उजियाला बन के आ। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में करते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। दोस्तों याद रखें, यीशु मसीह जीवित है और वो जीवितों का परमेश्वर है, और आप हार मत मानिए। यीशु मसीह का आपके लिए एक खूबसूरत जीवन रखा है प्रभु ने आपके लिए जी। और हमारे जीवित परमेश्वर का वचन भी जीवित वचन है। आइए देखें आज के लिए परमेश्वर का वचन। ये वचन हम सब के लिए है और ये हम सबको याद दिला रहा है कि परमेश्वर के पास हम सब के लिए, हर एक के लिए योजनाएं हैं। किसी खास मकसद के लिए परमेश्वर ने हमें सृजा है, हमें जीवन दिया है, और उस जीवन को हमें समाप्त नहीं करना है। हमारा जीवन हमें परमेश्वर को सौंप देना है, और जब हम ऐसा करते हैं वो अपने प्लान्स हमारे जीवन में पूरे करता है, ब्यूटिफुल प्लान्स दैट ही हैज़ फॉर यू एंड मी। इसी के साथ दोस्तों आपसे इजाजत लेंगे, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हैव अ लवली डे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।